हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जनरल एंट्री का चैप्टर कंटिन्यू था, सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रिटर्न। सो सेल रिटर्न से रिलेटेड एंट्रीज आज हम करेंगे, पूरा कंसेप्ट समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेल रिटर्न? जब बच्चों हम गुड्स सोल्ड आउट करते हैं, गुड्स बेचते हैं, गुड्स किसको बेचते हैं? कस्टमर को। और कस्टमर को डेटर्स भी बोलते हैं। जब हमने गुड्स बेचे, यानी कि असेट हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये बहुत एंट्रीज में हम कर चुके हैं। अब जो डेटर्स, जिन कस्टमर को हमने सामान बेचा था, वही कस्टमर किसी भी रीज़न से हमें गुड्स वापस कर रहे हैं। दोबारा समझो, हमने गुड्स सेल किए थे कस्टमर को, डेटर्स को। अब कोई भी रीज़न की वजह से, गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे, गुड्स ट्रांजिट में टूट गए थे, ब्रोकर निकले, कोई भी रीज़न की वजह से कस्टमर हमें हमारे बेचे हुए गुड्स वापस कर रहे हैं। डेटर्स यानी कि कस्टमर रिटर्न्ड गुड्स टू अस, गुड्स वापस आ रहे हैं हमें, असेट इंक्रीज हो रहे हैं। जब बच्चों ध्यान रखो, जब हम गुड्स बेच रहे थे, यानी कि असेट डिक्रीज हो रहे थे, और जब असेट्स डिक्रीज होते हैं क्रेडिट करते हैं, याद करो। यहाँ पर अब गुड्स वापस आ रहे हैं, डेटर्स हमें गुड्स वापस कर रहे हैं, इट मीन्स असेट इंक्रीज हो गया। और जब असेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाता है, इट मीन्स सेल रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। जब गुड्स बेचते हैं, असेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, और जब असेट डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। ये आपको बताया हुआ है मैंने रूल्स में। और ये बिके हुए जो गुड्स हैं वो वापस आ रहे हैं बच्चों हमारे पास, वापस आ रहे हैं मतलब असेट इंक्रीज हो रहे हैं। और जब असेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, इट मीन्स सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है बच्चों, आपको पता है। और सेल्स रिटर्न यानी कि गुड्स वापस आ गए हैं, असेट इंक्रीज हो गए हैं, तो सेल रिटर्न ऑलवेज डेबिट होगा। सेल रिटर्न का ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा, याद रखना बच्चों। सेल्स का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा। और सेल रिटर्न अकाउंट को रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं। आप कोई मर्जी इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सेल रिटर्न, जब बच्चों हमने गुड्स बेचे थे, मैं बेचने के एट द टाइम ऑफ सेल बात कर रही हूँ, जब हमने गुड्स सेल किए होंगे, या तो कैश बेचे होंगे या बाय चेक बेचे होंगे, मतलब जब हमने गुड्स सेल करे, पेमेंट या तो हमें कैश आई होगी या चेक के थ्रू आई होगी, या हमने गुड्स उधारे बेचे होंगे। उधार मीन्स डेटर्स ने पेमेंट नहीं की होगी, तो हम इसमें भी दो एंट्रीज बनती हैं। डेटर का नाम ट्रांजैक्शन में गिवन है या डेटर का नाम ट्रांजैक्शन में गिवन नहीं है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इन सभी केसेस में स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। गुड्स रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर, बाय अ डेटर, बच्चों कस्टमर का पार्टी का नाम आ गया, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ सकता है कस्टमर का नाम। गुड्स रिटर्न्ड बाय ए कस्टमर, बाय अ डेटर, टू होम वी सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज़ 1,00,000। एक कस्टमर से गुड्स वापस मिल रहे हैं हमें, किस कस्टमर से? जिसको हमने 1,00,000 रुपये का कैश सामान बेचा था। टू होम वी सोल्ड गुड्स ऑन कैश, यानी कि जब हमने कैश पे बेचा था कस्टमर को सामान, कस्टमर से कैश लिया होगा, हाँ के ना, कैश लिया होगा, उस वक्त कैश को हमने डेबिट किया होगा, असेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बच्चों इस केस में अब गुड्स वापस कर रहा है कस्टमर, गुड्स जब कस्टमर वापस करेगा तो हमें भी तो कैश वापस करना पड़ेगा। मीन्स इस एंट्री में हमारे जो असेट्स हैं डिक्रीज हो रहे हैं, और जब असेट डिक्रीज होते हैं बच्चों वो क्रेडिट हो जाते हैं। और कस्टमर जब हमने गुड्स सेल किए थे, कस्टमर ने पैसे नहीं दिए थे, डेटर इंक्रीज हुए थे हमारे, अब कस्टमर ने हमें पेमेंट नहीं देनी क्योंकि वो 1,00,000 का सामान वापस कर रहा है। डेटर ने पेमेंट नहीं देनी बच्चों,
डेटर क्या होता है हमारा, असेट्स होते हैं डेटर्स, असेट्स हमारे रिड्यूस हो गए हैं बच्चों, गुड्स रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर टू होम वी सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कस्टमर हमें सामान वापस कर रहे हैं, तो अब हमारे डेटर रिड्यूस हो गए ना बच्चों, और जब डेटर रिड्यूस हो जाते हैं तो क्या होता है, डेबिट। ये देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अब हमें वो 1,00,000 रुपए नहीं देगा वो डेटर। नेक्स्ट पे आओ, तो एंट्री क्या बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम ₹10,000। बच्चों इस एंट्री में क्या फर्क है, इसमें कैश, हमने जब सामान बेचा था तो कैश की एंट्री थी, कैश दिया था उसने हमें, कैश दिया था, भले कस्टमर का नाम आ गया, ये कैश की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे देखो कैश वर्ड नहीं है, इट मीन्स ये उधार की एंट्री है बच्चों। गुड्स रिटर्न्ड बाय राम, राम को हमने सामान बेचा था, कैश वर्ड नहीं है, ये ऑन क्रेडिट सामान बेचा था हमने, अब ये राम हमें वही सामान वापस कर रहा है, तो गुड्स रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का ऑलवेज अभी मैंने बताया डेबिट बैलेंस होगा, अभी बताया गुड्स सेल, गुड्स हमें वापस आ रहे हैं, असेट इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों, असेट जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाता है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम, राम कौन है, डेटर है हमारा, राम अब हमें पेमेंट नहीं देगा, राम ने जब 10,000 का सामान वापस कर दिया तो डेटर हमारे रिड्यूस हो गए, और जब डेटर रिड्यूस होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं, जब डेटर रिड्यूस होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। क्या एंट्री बनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आगे लो, गुड्स ₹10,000 रिटर्न्ड बाय डेटर्स, अब बताओ इस एंट्री में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, इसमें डेटर का नाम नहीं दिया हुआ, डेटर वर्ड दिया हुआ है, इस एंट्री में डेटर का नाम यानी कि राम नाम दिया हुआ है, हमने है ये भी ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये भी क्रेडिट की, तो डेटर जो है वो 10,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है ऑलवेज टू डेटर अकाउंट, राम की जगह डेटर वर्ड आ जाएगा बच्चों, 10,000 10,000। अब हम कुछ सेल्स रिटर्न की एंट्री बच्चों करते हैं ट्रेड और कैश डिस्काउंट के साथ, ये तो होगी सिंपल सेल्स रिटर्न की एंट्री, और कुछ सेल्स रिटर्न की एंट्रीज करते हैं जो कि हमारे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ चलेंगी। लेट्स स्टार्ट एंट्रीज ऑफ सेल्स रिटर्न अलोंग विद ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। Sold goods to Kailash of list price of ₹1,00,000 at trade discount of 15%। अब ये सेल्स की एंट्री बता रही हूँ, हमने कैलाश को सामान बेचा, लिस्ट प्राइस कितना था 1,00,000, हमने बेचा कैलाश को सामान, हमने कैलाश को 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, सेल्स की एंट्री कर रहे हैं बच्चों, हम सेलर हैं इस एंट्री में, हमने कैलाश को 15% का डिस्काउंट दिया, कौन सा डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको लास्ट वीडियो में बताया वीडियो नंबर 4 में कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, बनाओ एंट्री, गुड्स हम बेच रहे हैं बच्चों, गुड्स जा रहे हैं, असेट डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कैलाश वर्ड आ गया है, कैश वर्ड नहीं है, ये उधार की एंट्री है, कैलाश क्या है हमारा डेटर, उसने पेमेंट नहीं दी, कैलाश को सामान बेच रहे हैं और कैलाश डिड नॉट मेक पेमेंट टू अस, वो हमें पेमेंट नहीं दे रहा, डेटर हमारे इंक्रीज हो गए, और डेटर जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शो नहीं करना ट्रेड डिस्काउंट, 1,00,000 का 15% 15,000, 1,00,000 में से 15,000 गए, 85,000 से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट लो, कैलाश रिटर्न्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000, ये 1,00,000 लिस्ट प्राइस का सामान बेचा था, इस 1,00,000 में से कैलाश 4,000 का सामान वापस कर रहा है, ध्यान रखना बच्चों, ये भी लिस्ट प्राइस था 1,00,000, ये भी लिस्ट प्राइस है, इस 1,00,000 रुपए में से वो 4,000 का सामान वापस कर रहा है, जब बच्चों 1,00,000 के ऊपर 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगा था तो 4,000 के ऊपर भी लगाएंगे, कैलाश हमें गुड्स वापस कर रहा है,
गुड्स आ रहे हैं, असेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब असेट इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कौन वापस कर रहा है हमें? टू कैलाश। कैलाश डेटर था, पेमेंट देनी थी इसने, देखो डेबिट। अब कैलाश जब हमें 4000 का सामान वापस करेगा तो हमारी, अब हमें पेमेंट थोड़ी ना करेगा वो, हमारे डेटर रिड्यूस हो गए। और जब डेटर रिड्यूस होते हैं तो बच्चों क्रेडिट हो जाते हैं, तो एंट्री क्या बनी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। अब ध्यान रखना, जब हमने 100000 के ऊपर डिस्काउंट लगाया था तो 4000 के ऊपर भी डिस्काउंट लगेगा। 4000 का 15% 600, 4000 में से 600 गए, 3400 रुपये से एंट्री हो जाएगी। रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, कैलाश से पेमेंट मिल रही है, 5% कैश डिस्काउंट काट के कैलाश हमें पेमेंट कर रहा है। अब देखो बच्चों, कैलाश ने देने कितने थे? 85,000 का सामान बेचा था हमने ऑन क्रेडिट, 3400 का सामान उसने वापस कर दिया, 85,000 में से 3400 का सामान उसने वापस कर दिया। इट मीन्स कितना बच गया? 81,600। इट मीन्स 81,600 अभी कैलाश ने हमारे देने हैं। इन दोनों को देखते हुए, 85,000 का सामान हमने बेचा, 3400 का उसने वापस कर दिया, इट मीन्स कैलाश ने अभी भी हमारी 81,600 की पेमेंट करनी है। अब कैलाश क्या कर रहा है? 5% कैश डिस्काउंट काट के हमें पेमेंट दे रहा है। रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, हमें कैलाश से मिल रहे हैं, 5% डिस्काउंट कट करके दे रहा है। इसका बच्चों 5% लगाओ कितना बनता है इस अमाउंट का? और वो बनेगा 4,080 रुपये। ये हमें लॉस हो गया, इतना मिलना था हमें कैलाश से, अब कैलाश हमें 4,080 रुपये कट करके पेमेंट करेगा। सो लेट्स मेक द एंट्री। रिसीव फ्रॉम कैलाश, पेमेंट आ रही है बच्चों हमें, पेमेंट आ रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैश क्या होता है? असेट, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना? इतने देने थे कैलाश ने हमें, 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट कर रहा है, 4,080 कट करके पेमेंट कर रहा है, यानी कि इसमें से 4,080 जब जाएंगे तो 77,520, यानी कि कैश कितना आ रहा है? कैश डिस्काउंट काट के 77,520 रुपये हमें कैश मिल रहे हैं। कैलाश हमारा डेटर था, उसने देने थे हमारे पैसे, अब वो दे रहा है हमें पेमेंट, इतने की पेमेंट दे रहा है हमारे को। कैलाश क्या हो गया? असेट हमारे डिक्रीज हो गए, हमारी पेमेंट दे रहा है वो। जब असेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। टू कैलाश, कैलाश ने देने कितने थे? कैलाश इतने रुपए से हमारा डेटर था बच्चों, इतने उसने देने थे, आ कितना रहा है कैश? 77,520। इट मीन्स हमें लॉस हो गया है। और आपको रूल्स में बताया गया है कि जो लॉस है वो ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंसेस हो चाहे लॉस हो और चाहे असेट हो, यदि ये इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। अब ये 4,080 का लॉस हो गया, इस लॉस को डिस्काउंट अकाउंट में डाल देंगे 4,080, तो ये एंट्री हमारी बन जाएगी, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो गई हैं। तो ये था बच्चों आपका टोटल कंसेप्ट सेल्स रिटर्न का। सिंपल सेल्स रिटर्न की एंट्रीज भी कर ली और सेल्स रिटर्न की एंट्री ट्रेड और कैश डिस्काउंट के साथ भी कर ली हैं। सो इस वीडियो को 2-3-4 बार अच्छे से देखो, इससे रिलेटेड एंट्रीज करो, और जो डाउट्स हो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मेरे से पूछो। इस वीडियो को बच्चों ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।